Welcome students. Before doing exercise 7.2, let us do a theorem which is very important one. Bahut important theorem hai. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. अगर आप सिंधी भाषा में कहें, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना हमारे को. तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं हम. गिवन ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल्स टू एसी, एबी और एसी आपको इक्वल दे रखी है. प्रूव, ये प्रूव करना है इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं. ये दो साइड इक्वल है, इसके सामने एंगल हो गया सी और इसके सामने एंगल हो गया बी. तो हमें प्रूव करना है इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, एंगल बी इक्वल टू सी इक्वल प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करनी पड़ेगी. तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा ए परपेंडिकुलर. ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए डी. Draw AD perpendicular to BC. अब इसका प्रूफ देखिए. अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, AD इन दोनों में कॉमन हो गया, AD equals to AD कॉमन. दोनों ट्रायंगल में एडी यूज हो रहा है, एडी इस ट्रायंगल में भी यूज हो गया, एडी उस ट्रायंगल में भी यूज हो गया. क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ एंगल वन यहाँ एंगल टू लिख लेते हैं. एंगल वन इक्वल टू टू, रीजन इज एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, मींस ईच 90 डिग्री का हो गया. फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड एबी, फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड एसी, एबी इक्वल टू एसी ये हमारे को दे रखा था. इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी. कौन सी कंडीशन लगी? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड आरएचएस. अगर आप यहां चाहो तो ईच 90 भी लिख सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री के हो गए. तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू एडीसी. कंडीशन इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका लास्ट एंगल बी और उसका लास्ट एंगल सी, सी पी सी टी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही प्राप्त हो गए. तो जो हमें प्रूव करना था, किसी राइट ट्रायंगल सॉरी किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हमारा फैक्ट प्रूव हो गया. तो दिस इज द वे यू विल डू दिस थ्योरम. Let's start exercise 7.2 and sum number 1. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, तो पहले हम ट्राइंगल ABC बना लेते हैं. इस ट्राइंगल ABC में आपको AB और AC equal दे रखे हैं. The bisectors of angle B and C. पहले हम यहीं तक करते हैं, फर्स्ट पार्ट में इसका शुरू करता हूं. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन. अभी देखो हम लोगों ने थ्योरम करी थी, तो इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके सामने के एंगल इक्वल हो गए. ए बी के सामने एंगल आ रहा है सी, ए सी के सामने एंगल आ रहा है बी. तो अगर ए बी और ए सी बराबर है तो एंगल बी और सी बराबर हो गए. Therefore, angle B equal to angle C, and reason is angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. इसके बाद देखो, bisector of angle B and C intersect at O. Angle B का bisector और angle C का bisector O पर एक दूसरे को मिलते हैं. तो ये point हो गया आपका O. अब आप लिख सकते हो BO bisects angle B.
देयरफॉर यहां पर मैं एंगल 1 ले लेता हूं, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। CO एंगल C को बाइसेक्ट करते हैं, CO बाइसेक्ट्स एंगल C, देयरफॉर अगर हम यहां पर एंगल 2 ले लेते हैं तो एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे को बता रही है एंगल बी और सी इक्वल है, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है वन हाफ ऑफ बी है, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है टू हाफ ऑफ सी है। अगर बी और सी बराबर है तो इनके आधे हिस्से भी बराबर होंगे, तो फ्रॉम वन टू थ्री क्या रिजल्ट निकला, फ्रॉम वन टू थ्री रिजल्ट निकला एंगल वन इक्वल्स टू टू, एंगल वन और टू बराबर हो गए। अब जो हमने थ्योरम करी थी उसका उल्टा देखो, अब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हों तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हों तो उनके सामने की साइड बराबर होती है। तो अब हम आते हैं ट्रायंगल बीओसी में, इन ट्रायंगल बीओसी एंगल वन इक्वल टू टू प्रूव, अभी हमने प्रूव किया है एंगल वन और टू बराबर है, तो वन के सामने वाली साइड होगी आपकी CO और टू के सामने साइड होगी BO, therefore BO equal to CO, रीजन क्या लगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये एंगल्स का सिंबल हो गया। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, अब इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो गए तो बल के सामने वाली साइड CO और टू के सामने वाली साइड BO इक्वल हो, तो BO इक्वल टू CO हो गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के लिए पहले हम AO को ज्वाइन कर देते हैं, बुक ने आपको कह भी रखा है AO को ज्वाइन करो, तो ये हमने AO को ज्वाइन कर दिया, लिख देते हैं ज्वाइन AO। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए AOB AOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AO दोनों में यूज हो रही है, AO इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, AO इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, तो AO इक्वल टू AO कॉमन। अभी हमने प्रूव किया था लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड BO, इधर लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड CO, ये हमने अभी प्रूव किया था BO इक्वल टू CO प्रूव। फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड AB इक्वल टू AC, ये हमारे को दे रखा था AB और AC इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स उस ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल AOC के, कंडीशन लगी SSS। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एंगल A और इसका एंगल A इक्वल हो जाएंगे, इसका पहला एंगल A और इसका पहला एंगल A, AOB का फर्स्ट एंगल A दैट मींस एंगल 3, ये AOB का A हो गया, AOC का A ये वाला है इसको हम 4 लिख देते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू 4 इक्वल हो गए CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका फर्स्ट एंगल A और इसका फर्स्ट एंगल A इक्वल हो गए, AOB का फर्स्ट एंगल A मींस एंगल 3, AOC का फर्स्ट एंगल A मींस एंगल 4, तो 3 और 4 बराबर होंगे। अगर 3 और 4 एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं AO ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है तो हम कह सकते हैं इस पूरे एंगल A को, जो ट्रायंगल ABC का एंगल BAC था, AO ने इसके दो बराबर हिस्से कर दिए क्योंकि 3 और 4 इक्वल है, तो दैट मींस AO बाइसेक्ट्स एंगल A, तो दैट्स ऑल इन दिस। नेक्स्ट स्टार्ट्स नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन परपेंडिकुलर तो है ही साथ में बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर मीन BD और BC बराबर हो गए, BC का बाइसेक्टर हो गया दैट मींस BD इक्वल टू BC, शो दैट ट्रायंगल ABC आइसोसेलस इन व्हिच AB इक्वल टू AC, आपको प्रूव करना है AB और AC बराबर है, तो आप सीधा ट्रायंगल में जा सकते हो ADB ADC,
इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी दोनों ट्राइंगल में यूज हो रहे हैं, ए डी बी ये ट्राइंगल है इसमें ए डी यूज हो रहे हैं और ए डी सी ये ट्राइंगल है इसमें भी ए डी यूज हो रहे हैं, एक ही साइड दोनों ट्राइंगल में यूज हो रही है तो ये कॉमन साइड हो गई। इस एंगल को हम 1 लिख लेते हैं और इसको 2 लिख लेते हैं, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो एंगल 1 और 2 दोनों 90-90 के होंगे। इसका बीच में एंगल है D, ADB का D एंगल मीन एंगल 1 और ADC का D एंगल मीन एंगल 2, ये ईच 90 हो गए। अगर आप ज्यादा रीजन लिखना चाहते तो लिख लो एस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर परपेंडिकुलर है तो 1 और 2 एंगल 90-90 के होंगे। लास्ट नाउ लेफ्ट वाली साइड BD, लास्ट नाउ लेफ्ट वाली साइड CD, BC या CD का एक ही मतलब है, DB या BD का एक ही मतलब है। द रीजन इज AD इज परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर है तो BD और CD इक्वल होंगे, इससे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप सोचो कौन सी कंडीशन लगी, अंडर विच कंडीशन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, थिंक अबाउट इट, इट इज साइड एंगल साइड, कंडीशन इज साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड ए बी फर्स्ट और लास्ट लेटर वाली साइड ए सी के बराबर होगी। रीजन इज corresponding parts of congruent triangles that is CPC, AB और AC equal हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, therefore triangle ABC is isosceles, जिस triangle की दो side equal हो उसको हम क्या कहते हैं, isosceles triangle। तो this was sum number 2, let's start sum number 3, triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn equal sides AC and AB respectively। ट्रायंगल ABC की दो साइड आपको इक्वल दे रखी हैं AC और AB। एल्टीट्यूड्स एक तो है BE और एक है CF। एल्टीट्यूड होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, तो एंगल E और F 90 डिग्री पर हो गए। शो करना है एल्टीट्यूड्स इक्वल है, तो हम दो ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC, एक ट्रायंगल होगी ABB, एक ट्रायंगल होगी AFC, ये दोनों ट्रायंगल का एंगल A सेम है, AEB में भी ये एंगल यूज हो रहा है, AEB में ये देखो आप AEB में ये एंगल और AFC में भी ये एंगल A यूज हो रहा है, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। इसका बीच वाला एंगल है E और इसका बीच वाला एंगल है F, एंगल E और F एल्टीट्यूड है इसलिए ईच 90 हो गया, आप लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, और रीजन लिखना तो लिख दो एस बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स, एस बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। फर्स्ट और लास्ट लेटर से बनने वाली साइड AB, फर्स्ट और लास्ट से बनने वाली साइड AC, ये आपको दे रखी है इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC। कौन सी कंडीशन लगी सोचो, कंडीशन है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और ये साइड, तो कंडीशन इज एंगल एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं लास्ट दो लेटर से बनने वाली साइड EB या बुक ने लिख रखा है BE, तो हम BE लिख लेते हैं, BE इक्वल टू CF, लास्ट दो लेटर वाली साइड है EB लेकिन बुक ने यहाँ पर BE मान लिया तो हम इसको BE लिख लेते हैं और FC को CF लिख लेते हैं, CPCT। तो ये प्रूव हो गया एल्टीट्यूड्स इक्वल। लेट्स डू सम नंबर 4, last one for the day, triangle ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AB and AC are equal।
कई बच्चे इसका समझ लेते हैं साइड्स एबी एंड एसी आर इक्वल, कि एबी और एसी इक्वल है, ऐसा नहीं है। एल्टीट्यूड्स टू साइड एबी एंड एसी आर इक्वल, इसका मतलब एल्टीट्यूड बीई और सीएफ इक्वल है, ये एल्टीट्यूड बीई और ये एल्टीट्यूड सीएफ ये इक्वल है। और प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल एबीई इज कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल एसीएफ। तो लेट्स डू फर्स्ट पार्ट, एक ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ। एबीई ये वाली ट्रायंगल है, एसीएफ ये वाली ट्रायंगल है, एंगल ए दोनों में सेम यूज हो रहा है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। देन इसके लास्ट में एंगल है ई और इसके लास्ट में एंगल है एफ, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, बिकॉज बीई एंड सीएफ आर एल्टीट्यूड देयरफॉर ईच 90। एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो लास्ट टू लेटर वाला एल्टीट्यूड बीई और लास्ट टू लेटर वाला एल्टीट्यूड सीएफ, इट इज गिवन। इससे हमारी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएफ। कंडीशन क्या होगी, एंगल एंगल ये साइड, एंगल एंगल ये साइड, तो कंडीशन बन गई हमारी एंगल एंगल साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट देखो। अभी हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएफ, ये हमने अभी पिछले पार्ट में प्रूव कर लिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फर्स्ट टू लेटर वाली साइड एबी और फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड एसी इक्वल हो गई सीपीसी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमारा एबी इक्वल टू एसी प्रूव हो गया। अगर एबी और एसी इक्वल है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस, ट्रायंगल एबीसी की दो साइड इक्वल होगी एबी और एसी, और जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो वो होती है आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिस वाज सम नंबर 4।